हाय एवरीवन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि न्यू फाइनेंशियल ईयर 2019-20 स्टार्ट हो चुका है और इस नए फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के साथ रिटर्न फाइलिंग पीरियड अप्रैल सिलेक्ट करके हम जब सर्च बटन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर एक ऑप्शन फॉर्म फॉर क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग बाय नॉर्मल टैक्स पेयर शो होता है और इस फॉर्म के थ्रू हमें अपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए फाइल किए जाने वाले GST R1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है। यानी कि आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के दौरान अपने GST R1 को क्वार्टरली फाइल करना चाहेंगे या मंथली फाइल करना चाहेंगे, यह आपको इस ऑप्शन फॉर्म के जरिए सिलेक्ट करना है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में बहुत से GST टैक्स पेयर्स ने अपने GST R1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने में गलती कर दी थी। कई GST टैक्स पेयर्स जो अपने GST R1 को क्वार्टरली फाइल करना चाहते थे, उन्होंने गलती से मंथली ऑप्ट कर लिया था और कईयों ने मंथली की जगह गलती से क्वार्टरली ऑप्ट कर लिया था, जिसके कारण उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और उनके GST कंप्लायंस अननेसेसरीली बढ़ गए थे। पर आप इस बार फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए फाइल किए जाने वाले अपने GST R1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने में गलती मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कैसे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए फाइल किए जाने वाले GST R1 की करेक्ट फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को सही सही सिलेक्ट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और अगर कोई गलती हो जाती है तो हुई गलती को एडिट करने के क्या ऑप्शंस मिलेंगे या नहीं रहेंगे, हम आपको इस इम्पोर्टेंट वीडियो में समझाएंगे और दिखाएंगे। तो बने रहिएगा इस इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट इन्फो मीडिया। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टैक्सेशन एंड कंप्लायंसेस से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स और हेल्पफुल वीडियो ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए फाइल किए जाने वाले GST R1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को सही सही सिलेक्ट करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके सामने क्लियर करना चाहेंगे, जिन्हें अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि GST R1 आपकी आउटवर्ड सप्लाईज यानी कि सेल्स से रिलेटेड एक GST रिटर्न है। GST R1 मंथली या क्वार्टरली फाइल किया जाता है प्रत्येक नॉर्मल GST रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। GST R1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी मंथली होगी या फिर क्वार्टरली होगी, यह डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पर। अगर प्रीसीडिंग या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का है तब आपको GST R1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी मंथली सिलेक्ट करनी है। अगर प्रीसीडिंग या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम का है तब आपको अपने GST R1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली सिलेक्ट करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बेसिस पर GST R1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को प्रैक्टिकली सिलेक्ट करते हैं GST पोर्टल पर और अगर कोई गलती हो जाए तो क्या ऑप्शंस होंगे आपके पास, वह भी आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, फाइल रिटर्न के इस पेज पर बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और रिटर्न फाइलिंग पीरियड अप्रैल सिलेक्ट रहने देते हैं और सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं, ऑप्शन फॉर्म फॉर क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग बाय नॉर्मल टैक्स पेयर का यह एक सेक्शन ओपन होता है, जहां पर हमें दिए गए इस क्वेश्चन को सही सही समझकर सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर क्या 1.5 करोड़ रुपए तक का था या फिर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक का रहेगा, तो इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर अगर यस है तो आप यस के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप यस के बटन पर क्लिक करते हैं, आपसे एक क्वेश्चन फिर से पूछा जा रहा है कि आप अपने GST R1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी क्या क्वार्टरली ऑप्ट करना चाहेंगे। अगर आप क्वार्टरली ऑप्ट करना चाहते हैं तो अब आप यस के बटन पर क्लिक करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। आपसे एक कंफर्मेशन पूछी जा रही है कि आप क्या श्योर हैं अपने GST R1 को क्वार्टरली फाइल करने के लिए, और अगर एक बार आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको अपने GST R1 को ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर क्वार्टरली ही फाइल करना पड़ेगा, हालांकि आप अपने GST R3B को एज यूजुअल मंथली बेसिस पर फाइल करते रहेंगे। आप अगर सहमत हैं कि आप अपने GST R1 को क्वार्टरली ही फाइल करना चाहते हैं तो प्रोसीड के इस बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही प्रोसीड के बटन पर आप क्लिक करते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं यू हैव सिलेक्टेड क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स थैंक्स, यानी कि अब आपकी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी GST R1 के लिए क्वार्टरली सिलेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और रिटर्न फाइलिंग पीरियड अप्रैल सिलेक्ट हो रखा है और यहाँ पर अब GST R1 फाइल करने की यह टाइल डिसेबल्ड है, यानी कि आप अपने GST R1 को अब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए क्वार्टरली ही फाइल करेंगे। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आपका अगर एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का रहता है, ऐसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप GST R1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को मंथली सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे। तो उस
सिचुएशन में आपको इस ऑप्शन में आना है और इस क्वेश्चन के सामने आपको नो सिलेक्ट करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर फिर कंफर्मेशन आपसे मांगी जा रही है कि आप अपने GST-1 को मंथली फाइल करना चाहेंगे, तो आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें। और अब आप देख सकते हैं कि यू हैव सिलेक्टेड मंथली फाइलिंग ऑफ रिटर्न थैंक्स, यानी कि आपने अपने GST-1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए मंथली ऑफ कर ली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि GST-1 की यह टाइल भी इनेबल हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दें कि आप अपने GST-1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को तब तक चेंज कर सकते हैं जब तक कि आप इस फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए अपने फर्स्ट GST-1 को फाइल नहीं कर देते हैं। और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर क्या एडिट का कोई ऑप्शन है या नहीं, उसे समझने से पहले आपको एक और बात क्लियर कर दें कि आप GST-1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी अगर क्वार्टरली सिलेक्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि इसे चेंज करके वापस मंथली किया जाए, तो उस सिचुएशन में आपके पास एडिट ऑप्शन रहेगा और आप इसे चेंज कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपने अपने GST-1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी मंथली सिलेक्ट कर ली है, चाहे वह गलती से हो, तो उस सिचुएशन में आपके पास कोई एडिट ऑप्शन नहीं रहेगा और आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए अपने GST-1 को मंथली ही फाइल करना पड़ेगा। तो ध्यान में रखें, आप अपने GST-1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल सही सही ऑप्ट करें और क्वार्टरली ऑप्ट करने के दौरान आपके पास एडिट ऑप्शन रहेगा, लेकिन मंथली ऑप्ट करने के दौरान आपके पास कोई भी एडिट ऑप्शन नहीं रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आपने अगर गलती से क्वार्टरली ऑप्ट कर लिया है अपने GST-1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को, तो उसके लिए क्या एडिट ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी क्वार्टरली ऑप्ट किया हुआ था अपने GST-1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को, तो यहाँ पर हमारे सामने एडिट का ऑप्शन रहता है। हम इस एडिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमसे फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्या 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का है, या फिर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर में भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का रहेगा। तो इस सिचुएशन में आप अगर यस के बटन पर क्लिक करते हैं और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं, तो आप अपने GST-1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को मंथली ऑप्ट कर लेंगे और आपको होल फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने GST-1 को मंथली ही फाइल करना पड़ेगा। और एक बार मंथली ऑप्ट करने के बाद आप अपने GST-1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकेंगे। और वहीं पर समझ लीजिए फ्रेंड्स, आपने अगर एक बार मंथली ऑप्ट कर लिया है तो यहाँ पर देखिए किसी भी तरह का एडिट ऑप्शन आपके सामने नहीं रहता है। तो आई होप फ्रेंड्स, GST-1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी आपको क्वार्टरली या फिर मंथली ऑप्ट करनी है, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं और गलती हो जाए तो क्या ऑप्शंस आपके सामने रहते हैं, इन्हें हमने आपके सामने सही सही और अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, औरों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन्हें भी अपनी GST-1 की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को सही सही सिलेक्ट करने के लिए उनकी हेल्प करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टैक्सेशन एंड कंप्लायंसेस से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स और हेल्पफुल वीडियो ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए सो सब्सक्राइब, प्रेस द बेल बटन एंड स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया फॉर मोर अपकमिंग लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।